आज सुबह 8 बजे बच्चों के साथ पदयात्रा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर संबोधित करते हुए खादी के थैले वितरित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो जॉयस्टन चौक से गांधी मैदान तक ये पदयात्रा है, बच्चा बच्चा गांधी थीम पर 1000 बच्चे बापू की वेशभूषा में आज नजर आएंगे। ये देखिए खादी के थैलों का वितरण करते हुए इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया। साथ ही आपको बता दें पीसीसी चीफ ये संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आइए सुनते हैं। तो महात्मा गांधी की जिंदगी एक पहलू, उनका हर पहलू पर विशेष तौर पर नजर डाली जा रही है। और जिस तरह से खादी के बारे में महात्मा गांधी बताते आए हैं और उन्होंने जिक्र किया है, तो उसी का महत्व समझते हुए जयस्तंभ चौक पर खादी के थैलों का वितरण करते हुए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वैसे भी पॉलिथीन पर बैन लगा दिया है और इसी बैन के चलते आज से खादी के थैलों का वितरण यहां पर किया जा रहा है। 30 जनवरी 1948 की अगर बात की जाए तो शाम के वक्त महात्मा गांधी अपने घर से बगीचे में होने वाले प्रार्थना सभा के लिए निकले हुए थे और दिल्ली में जहां वो रहते थे वो एक बड़े भारतीय उद्योगपति घनश्याम दास बिरला का घर था। हमेशा की तरह उनके साथ उनकी दो अनुयायी मनु और आभा भी थी। 78 साल की गांधी जैसे ही प्रार्थना सभा मंच की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, खाकी कपड़ों में एक आदमी भीड़ से निकलता है और मनु को एक तरफा धकेलता है और पिस्टल निकालकर दुर्बल नेता के सीने पर पेट में 3 गोलियां दाग देता है। गांधी गिर जाते हैं, हे राम कहते हैं और उस महिला की बाहों में दम तोड़ दिया जाता है।